सो हेलो गाइज, मेरा नाम है शिवांकर, आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टैक। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि आप किस तरीके से अपनी खुद की बहुत सारी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही में उसमें आप एडसेंस रन कर सकते हैं। तो कैसे रन करेंगे, आपको ज़्यादा अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली आप रन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं अपने सीख पैनल पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, घंटी के बटन को नहीं दबाया तो दबा दो, और ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम डायरेक्टली आ चुके हैं अपने सी पैनल के अंदर, और सी पैनल के अंदर आने के बाद आपको जाना है अपने डोमेन सेक्शन के अंदर। इसके लिए आपके पास होस्टिंग होना ज़रूरी है, होस्टिंग मेरे पास है। अगर आप होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। आप होस्टगेटर बाय कर सकते हैं या होस्टिंगर, दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हैं। डिस्काउंट कूपन भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं डोमेन के अंदर। तो हम डोमेन के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ना बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। ऑप्शन देखने के बाद आपको जाना है सबसे पहले सब डोमेन के अंदर। सब डोमेन के अंदर हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो, सब डोमेन के अंदर क्रिएट करने का सबसे मेन रीज़न ये है कि आपका जो वेबसाइट है, जैसे सपोज़ मेरी ये वेबसाइट है शिवा हिंदी ज्ञान, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है अगर गूगल एडसेंस से, और मैं यहाँ पर सब डोमेन क्रिएट भी कर दूंगा, और मैं जैसे मैं सब डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेरे को अप्रूवल नहीं लेना होगा। डायरेक्टली मैं इस पर कितने भी सब डोमेन क्रिएट करके एड्स पे रन कर सकता हूँ। तो सपोज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लॉग, ठीक है, मैं इसे ऐड करता हूँ डन और क्रिएट कर देते हैं। तो आप यहाँ देखोगे ये हो चुका है क्रिएट, तो ये मेरा यहाँ पर हैज़ बिन क्रिएटेड आ चुका है सक्सेस। इसको एक बार ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, आप देख सकते हो। सो दिस यू आर एल डजेंट एग्जिस्ट। अब हम जाएंगे बैक, लेकिन हमारा एक ये रेडी हो चुका है, और ये देख सकते हैं ये भी रेडी है हमारा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसे ओपन करके, देख सकते हो ये भी हमारा डन हो चुका है, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पर से अपने वापस कंट्रोल पैनल के अंदर। कंट्रोल पैनल के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर जाने पर अगर आपको इसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है तो आप डायरेक्टली वर्डप्रेस के अंदर जाएंगे और डायरेक्टली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। इंस्टॉल नाउ, उसके बाद यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डोमेन जिस पर आपको काम कर रहा है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया ब्लॉग डॉट शिवा हिंदी ज्ञान डॉट कॉम। तो यहाँ से जाएंगे और इसे जो भी आपको पासवर्ड, मैं लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, डन हो गए सारी डिटेल्स, और उसके बाद हम इसे इंस्टॉल कर देंगे। तो जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे तो विद इन टू मिनट्स के अंदर अंदर ये आपका काम डन हो जाएगा और ये वेबसाइट आपकी लाइव हो जाएगी। तो आप इस पे भी काम कर सकते हो। और यार सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यार इसमें आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए कोई भागना नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली ये आपका काम करा कर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको लॉग इन करके भी इसमें दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर से इसे खोल के देख लेते हैं कि प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पे प्राइवेसी आ रहा है क्योंकि इसमें मैंने SSL सर्टिफिकेट नहीं लगाया अभी। तो अभी हम इसे प्रोसीड टू इट्स, तभी देख सकते हो ये एरर आ रहा है। यहाँ पे से HTTPS हमें हटाना पड़ेगा। अब आप देखोगे ये हमारा ब्लॉग यहाँ पर लाइव हो चुका है, blog.shivahindigyan.com। तो यहाँ पर से अगर आप जाओगे पोस्ट में तो जैसे आपको नॉर्मली दिखाता है वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अभी हमने सिक्योर सर्टिफिकेट नहीं ले रखा है, या हम इसे क्लाउडफ्लेयर से अगर कनेक्ट कर लेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। अब आपको क्लाउडफ्लेयर से कैसे SSL सर्टिफिकेट लेना है वो अब मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जाओगे क्लाउडफ्लेयर लिखोगे आपको मिल जाएगा, आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर सीधे सर्च में लिखेंगे क्लाउडफ्लेयर, इसको सेटिंग इसकी सारी सेटिंग्स यूज़ कर लो, आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपका डाउट भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर से कर चुके। अगर आपको चाहिए यार कि नहीं मैं इतना झमेला नहीं पालना चाहता तो आप क्या कर सकते हो, आप जाओगे बैक और वहाँ पर से HTTP इसको हम डिलीट कर देते हैं और दोबारा से हम इसे बिना HTTPS के इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन आज के टाइम पे HTTPS की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा HTTPS ज़रूर यूज़ करें। अगर आप HTTPS यूज़ नहीं करोगे तो फिर यार आपके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक होने वाला है।
तो HTTPS जरूर से यूज़ करना होगा आपको। मैं सिर्फ आपको एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि यार बिना HTTPS के भी एक क्लियरली चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। जैसे आप सोच सकते हैं अभी आपने एक एरर देखा था, तो हो सकता है कि आपके मन में कोई डाउट हो, तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए ही मैं आपको ये सिर्फ करके दिखा रहा हूँ कि ये बिना HTTPS के भी क्लियरली चलता है। तो अभी आपको दिखाया जाता है, तो जस्ट एक एक 30 सेकेंड्स और आपका ये डन। तो ये हो चुका है डन। अब हम इसे खोलेंगे तो आप देख सकते हो तुरंत ये खुल गया, नॉट सिक्योर आ रहा है, ठीक है। आप इसे खोलोगे सब चीज़ परफेक्टली काम करेगी, बस इसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं है, आप ये देख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी इसमें HTTPS में खुला रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो दिखा दो, ये देख सकते हो HTTPS। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो ये इजीली सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। अब ये देख सकते हो, और आप मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ चुके होंगे कि ये कैसे करना है, क्या करना है। और इसके बाद आप डायरेक्टली इसमें थोड़ा सा काम कीजिए और इसमें एड्स लगा देंगे तो आप यहाँ से काम आपका बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बैक में और आपको कुछ और चीज़ें भी समझा देता हूँ। तो आप कितने डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी लोग के मन में एड आउट होता है। तो आप जब कॉर्नर पर आओगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपके सब डोमेन्स की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखा देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एड ऑन सब डोमेन्स। आप देख सकते हो यहाँ पर 100 यूज़ कर सकते हो आप एक टाइम पे, यानी कि आप 100 एक वेबसाइट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, एक करा है सोशल वेबसाइट के लिए और एक करा है अपने नॉर्मल यानी कि ब्लॉग वेबसाइट का आपको दिखाने के लिए। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे जितने चाहें वो क्रिएट कर सकते हो, लिमिट होगी 100 तक, तो वो भी काफ़ी बढ़िया बात है। और बस यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।